आज संविधान निर्माता भारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 131वीं जयंती पर हम सब लोग उनके चरणों में नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एक आज ऐसे महापुरुष का जन्मदिन हम मना रहे हैं जिन्होंने संविधान का निर्माण किया और संविधान के अंदर जो अधिकार दिए हैं उन्हीं अधिकारों से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, सभी संविधान के तहत काम कर रहे हैं। और बाबा साहब ने जिन विपरीत परिस्थितियों में जो संविधान लिखा और जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की वो काबिले तारीफ है। और उन्होंने जात पात से ऊपर उठ करके लोगों को एक साथ रहने का जो संदेश दिया और उन्होंने जो कहा था शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये जो धारा उन्होंने दिया था एक मंत्र, ये किसी एक जाति या किसी विशेष धर्म के लिए नहीं था, ये सभी के लिए था। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से चाहे इंसान हो चाहे समाज हो सब आगे बढ़ सकते हैं। तो उनके सिद्धांतों पर चलते हुए हम सब समाज को आगे बढ़ना चाहिए। देखो ऐसा है, सरकार परिस्थितियों के हिसाब से अपने फैसले लेती है जी, और ज़रूरी नहीं कई बार फैसले हो जाते हैं और मान लो जनता के हक में अगर फैसला नहीं है उसको बदल भी दिया। ऐसी गुरु तेग बहादुर की जयंती भी मनाई जा रही है। हाँ, गुरु तेग बहादुर की जयंती भी 24 अप्रैल को पानीपत के अंदर मनाई जा रही है। और जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी की सोच है कि जितने भी महापुरुष हैं इनका सभी का जन्मदिन एक समरसता दिवस के रूप में मनाया जाए ताकि हमारा जो समाज है वो एक इकट्ठा रहे। ये नहीं कि भाई ये दलितों के नेता है, ये फलाने जाति के नेता है, ये जो महापुरुष होते हैं सभी जातियों के सभी धर्मों के होते हैं। हम सब लोगों को उनके जन्मदिन में शामिल होना चाहिए और उनको उनसे उनके द्वारा दी गई शिक्षा का पालन करना चाहिए। आपका क्या कहना है? इस तरह से मतलब ऐसा नहीं होता, सरकार तो प्रयास करती है, ये थोड़े ना ये आप इस राशि को कुछ बढ़ाएंगे क्या? इस राशि को कुछ बढ़ाएंगे आप? कुछ घोषणा करेंगे? नहीं, ऐसा कोई घोषणा। एक डॉक्टर साहब आखिरी है, निकलते हैं लेकिन आज तक कोई एडमिशन नहीं हो पाया। देखो हो सकता है कोई प्रक्रिया में कोई डिले हो और नया मतलब शुरू हुआ है इसमें, तो हो सकता है कोई टेक्निकल कोई दिक्कत हो। सर 2009 में लागू हुआ था, हुआ तो था, लेकिन अब जो नई पॉलिसी आई है इसके तहत हो सकता है कोई टेक्निकल दिक्कत हो।